हेलो दोस्तों, स्वागत है नेक्स्ट वीक ब्रांड के अगले एडिशन में। आज हम जिस ब्रांड के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है अगेन इंडिया का एक यूनिकॉर्न ओयो के बारे में। ओयो जो कल अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट 2019 की पब्लिश की है, और उस रिपोर्ट के माने तो 2019 में ओयो का जो रेवेन्यू बढ़ के $951 मिलियन के करीब हो गया है, और साथ ही साथ उसके लॉसेस भी बहुत तेजी से ग्रो किए हैं जो $335 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं। जब ओयो के इस स्टेटमेंट में ओयो ने यह कहा है कि उसके लॉसेस इसलिए मल्टीप्लाई हुए हैं क्योंकि उन्होंने यूएस में बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्वायर की है और चाइना में भी उन्होंने बहुत तेजी से ग्रो किया है। ओयो के बारे में आप जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से ओयो के बारे में बहुत गलत गलत न्यूज मार्केट में आ रही है, और इस स्टेटमेंट के बाद लगता है कि ओयो तेजी से ग्रो कर रहा है। इन्होंने जो क्लेम किया है कि इनकी टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर की जो 2019 की वो बढ़ के हो गई है $1.28 बिलियन के करीब, जिसमें से $951 मिलियन उनका रेवेन्यू है और $335 मिलियन उनका टोटल लॉसेस हैं इस साल के। देखते हैं कि आने वाले समय में ओयो इसको कैसे और मल्टीप्लाई करता है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरह कितनी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सॉफ्टबैंक के प्रेशर के बाद अब ओयो बहुत सारे लोगों को इंडिया और चाइना से निकाल चुका है और अपने लॉसेस को वो चाह रहा है कि बहुत कम करें। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ओयो एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो और इंडिया के साथ साथ चाइना, जापान, यूएस में भी ये बहुत ही सक्सेसफुल हो। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा हम आपको अपडेट करेंगे। मिलते हैं अगले न्यूज में। थैंक यू।